कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के कारण फ्रांस में एक बार फिर लॉकडाउन लगाया गया है। शुक्रवार को लॉकडाउन का पहला दिन था। करीब 4 हफ्तों के लिए फ्रांस को बंद किया गया है। तुर्की और ग्रीस में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता 7.0 की गई है। इसमें कई इमारतें धराशाही हुई हैं। शुक्रवार को पीएसी ने पीएआई 2020 की वार्षिक रिपोर्ट जारी करते हुए देश के तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी कामकाज की स्थिति को स्पष्ट किया है। पीएआई वार्षिक रिपोर्ट 2020 के अनुसार सरकारी कामकाज मामले में यूपी बिहार फिसड्डी और केरल गोवा टॉप पर बने हुए हैं। भारत चीन तनाव के बाद बैन हुए पबजी गेम को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। भारत में पबजी यूजर्स अब मोबाइल में पहले से इंस्टॉल गेम भी नहीं खेल सकेंगे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में गोगी का किरदार निभाने वाले समय शाह को जान से मारने की धमकी मिली है। उन्होंने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच जहरीली हवा ने दिल्ली में प्रदूषण का स्तर और बढ़ा दिया है, जिससे वहां के हालात और गंभीर हो गए हैं। क्रिसमस के एक महीने पहले ही जोनस ब्रदर ने अपना क्रिसमस सॉन्ग रिलीज कर दिया है। इस गाने को लेकर प्रियंका चोपड़ा और सोफी टर्नर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। द कपिल शर्मा शो में ऑलराउंडर खिलाड़ी सुरेश रैना अपनी वाइफ प्रियंका के साथ पहुंचे और अपनी पर्सनल लाइफ के कई किस्से शेयर किए। करीना कपूर ने मां बबीता से हेड मसाज कराते हुए सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की है, जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस पर कई दिग्गज फिल्मी सितारों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।